हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं हूँ MRM होंडा में, रिव्यू कर रहा हूँ BS6 होंडा हॉर्नेट 2.0 और रैप्सोल एडिशन का। तो हालांकि एक पहली वीडियो होने वाली जिसमें मैंने एक होंडा का रिव्यू किया है, तो रैप्सोल एडिशन जो है एक मोटो GP कलर स्कीम है जो कि कंपनी अपने छोटे मॉडल्स में लाती है। तो हॉर्नेट 2.0 अब की बार जो अपडेट होके आई है तो काफ़ी एक अच्छा खासा पैकेज हो गई है, ये वैल्यू फॉर मनी बाइक बन गई है। तो जहाँ से भी देखो ये बाइक आपको डेफिनेटली आपका हेड टर्न ज़रूर से करेगी। तो इस कलर स्कीम के साथ बाइक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है और कंपनी ने गोल्डन फॉक्स भी दिए हैं। इसमें आपको USD सस्पेंशन देखने को मिलेंगे जो कि है अपसाइड डाउन फॉक्स। तो अगर इसके ओवरऑल डिज़ाइन स्कीम के बारे में बात करें तो बाइक आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट लगेगी और जो बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो भी आपको कहीं ना कहीं काफ़ी छोटी लगती है। तो अगर हम फ्रंट से देखें तो फ्रंट में अब आपको एक ये पहले से ही मिल रहा था, मेरे हिसाब से एक अपडेट होकर बाद आ गया था। फ्रंट में आपको एक पूरी LED हेडलाइट मिलेगी जो कि आपकी नाइट में विजिबिलिटी तो बढ़ाएगा लेकिन आपकी जो बैटरी कंजम्पशन है वो भी आपकी काफ़ी कम रहने वाली है। और फ्रंट मड गार्ड पर आपको एक रैप्सोल का छोटा सा स्टिकर देखने को मिल जाएगा। अगर हम साइड से देखते हैं तो आपको इसमें ऑरेंज और वाइट और रेड का कलर स्कीम कंबाइंड देखने को मिलता है। तो टैंक पर आपको हॉर्नेट प्लस रैप्सोल 2.0 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और रेड कलर में आपको होंडा देखने को मिलेगा जो कि होंडा का थीम कलर है। तो अगर नीचे जाएं तो थोड़ा सा आपको वाइट कलर का इंजन काउल देखने को मिलेगा जो कि इंजन को तो कवर करता है प्लस इंजन के जो लुक्स हैं उसको भी काफ़ी हद तक इन्हेंस कर देता है। और आपको ये ऑरेंज कलर के व्हील्स दिख रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये बाइक आपको ड्यूक सीरीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी क्योंकि जो कलर स्कीम है वो कहीं ना कहीं सारे जो जिसमें भी तीन कलर कंबाइंड किए गए हैं वो इसको काफ़ी जो अच्छी तरह जो मैच कर रहे हैं। और रियर पे देखोगे तो रियर कॉल पर आपको एक रैप्सोल का छोटा सा स्टिकर देखने को मिलेगा रेड और ऑरेंज एक्सेंट के साथ। और यहाँ पर आपको फ्रेम के ऊपर HET BS6 की जो ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। HET जो है होंडा की एक खुद की जो टेक्नोलॉजी है जो कि अपने इंजन में लाता है, मतलब वो ज़्यादा और ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी बढ़ाते हैं और आपकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। जो इसके सीट ग्रैबल्स हैं वो आपको स्प्लिट ग्रैबल्स मिल जाएंगे। और सीट्स देखें तो राइडर की और पिलियन की सीट काफ़ी हद तक सफिशिएंट है आपको टूरिंग करने के लिए या फिर सिटी कम्यूटिंग करने के लिए। और जो रियर में है, रियर में आपको X टाइप की एक LED टेल लाइट देखने को मिलेगी। जो इसके टर्न सिग्नल हैं वो आगे के पीछे के दोनों ही कंपनी ने LED रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि कई कंपनियाँ LED हेडलैम्प और टेल लाइट के साथ जो है टर्न सिग्नल वो LED प्रोवाइड नहीं कराते, जो कि कहीं ना कहीं मतलब कमी रह जाती है, जो कि हॉर्नेट 2.0 में आपको लाइट से रिलेटेड कोई कमी नहीं रहने वाली है। और अब देखते हैं इसके जो है व्हील्स और टायर्स के बारे में। तो आगे में पीछे में दोनों में ये आपको 17 इंचेस के ऑरेंज अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कलर मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फेड हो गया, लेकिन ये एक डेफिनेटली कलर्स की मतलब कलर का एक अलग अलग कोड्स होते हैं। तो फ्रंट का जो टायर साइज़ है वो 100 mm, जो रियर का टायर साइज़ है वो 140 mm है। तो कई कंपनियां हैं जो कि 200cc में भी 140 का रियर सेक्शन नहीं दे रही और जो कि आपको 2.0 में आपको 140 का रियर सेक्शन मिल रहा है। और एक और ख़ास बात ये है कि इसमें आपको फ्रंट में गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिलेंगे। 37 mm की इनकी विड्थ है। तो जैसे कि NS200 या फिर RS200 है उन बाइकों में भी आपको USD सस्पेंशन देखने को नहीं मिलते जो कि आपको हॉर्नेट 2.0 में देखने को मिल रहे हैं। रियर में आपको एक मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा जिसको आप 7-स्टेप एडजस्टेबल कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। आगे में पीछे में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। तो इस बाइक में सिंगल चैनल ABS है, कोई RLP या फिर डुअल चैनल ABS का आपको ऑप्शन नहीं मिलता। जो फ्रंट डिस्क ब्रेक का साइज़ है वो नियरली 280 mm है और इसमें आपको फ्रंट में एक ABS रिंग देखने को मिलेगी। तो देख सकते हो आपको ABS रिंग। तो ये सिंगल चैनल ABS है, इसमें कोई RLP का फीचर या फिर डुअल चैनल ऑप्शन नहीं आता है। तो ब्रेकिंग वाइज मेनली ठीक है, लेकिन अगर एज एन ऑप्शन अगर आप डुअल चैनल ABS हो तो वो भी हो सकता है कंपनी फ्यूचर में प्रोवाइड कर दे। तो फ्रंट में आपको निसन के ट्विन पिस्टन ब्रेक कैलिपर देखने को मिलते हैं और रियर में निसन का सिंगल पॉट डिस्क ब्रेक कैलिपर। जिसकी स्विंगआर्म है वो बॉक्स टाइप स्विंगआर्म है क्योंकि बॉक्स टाइप स्विंगआर्म कॉस्ट कटिंग को मतलब काफ़ी कम कर देती है कॉस्ट को। अगर एल्यूमिनियम की होगी तो आपकी कॉस्टिंग जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और जो बाइक का ओवरऑल कलर है आपको वाइट का और ऑरेंज का जो रेड एक्सेंट का कलर देखने को मिल रहा है। और नीचे इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा जो ग्राउंड क्लियरेंस ये बाइक दे रही है। और आपको काउल पर होंडा की बैजिंग तो देखने को मिल रही है। तो अब देखते हैं इंजन को। तो ये नियरली 184.something cc का जो इंजन है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एग्जैक्टली क्या है। तो ये 184.something cc का इंजन है जिसमें आपको DOHC और 4 वेल्व हेड 5 स्पीड गियरबॉक्स फ्यूल इंजेक्शन के साथ जो इंजन आता है।
मैक्सिमम पावर है इसकी 17.1 bhp, जो इसका मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है वो 16 न्यूटन मीटर्स, और जो इसकी कहीं ना कहीं टॉप स्पीड रहेगी वो 135 से लेके 140 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो माइलेज है इस पावर फिगर के हिसाब से आपको जो माइलेज मिलनी चाहिए सिटी में वो 30-35 km/h इन सिटी मिलनी चाहिए। जो माइलेज है वो राइडर के राइडिंग स्टाइल एंड राइडिंग कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बाइक का जो कर्व वेट है वो 142 kg है, तो बाइक की काफ़ी लाइट वेट है और पावरफुल भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर बाइक ज़्यादा लाइट वेट होगी तो उसको पुल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जो आप टैंक देख रहे हो, टैंक हालांकि काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन आपको इसमें डुअल टोन यहाँ पर भी आपको कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिलेगी, क्योंकि मतलब यहाँ पर कलर वगैरह देते हो तो आप स्क्रैचेस वगैरह लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 11 लीटर्स है। इसके मीटर की तरफ देखें तो ये थोड़ा सा दूसरा वाला कलर जिसमें बैटरी कनेक्टेड है, तो इग्निशन पोजिशन की आपको टैंक पर माउंट मिलेगी। तो स्टार्ट करते ही एक बार सारा मीटर लोड होएगा तो इसमें आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है वो है टैकोमीटर, ओडोमीटर, पिन ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, आपको टाइम दिखा रहा है, आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखा रहा है, फ्यूल दिखा रहा है आपको, और जो अदर इन्फॉर्मेशन रहेगी वो ट्रिप ए ट्रिप टू भी मिल जाएगा आपको, बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है इवन, जो कि बहुत ज़्यादा कम बाइकों में दिखाता है। और इसमें एक्स्ट्रा फीचर एक दो मिसिंग रह जाएंगे, वो रह जाएंगे मेनली एवरेज फ्यूल कंजप्शन। तो ऐसा कुछ खास फीचर नहीं है जो कि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो स्विच गियर्स हैं, वो स्विच गियर्स के हाई बीम और लो बीम का टर्न सिग्नल हॉर्न, और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा वो हैजार्ड का फीचर मिल जाएगा, और ये इसका इंजन किल स्विच और ये है स्टार्ट बटन। तो आई होप जिस प्राइस रेंज में ये बाइक आ रही है उसके साथ ये जो मीटर में इंफॉर्मेशन दे रही है वो काफ़ी सफिशिएंट है। ये थी एक छोटी सी वीडियो हॉर्नेट 2.0 BS6 रैप्सोल एडिशन की। तो अगर आपके बाइक लेनी है या फिर आपको बुकिंग डिटेल या फिर फाइनेंस डिटेल जाननी है तो आप MRM होंडा को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और जो एड्रेस डिटेल हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।